तो बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से अपने सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। क्षमा प्रार्थी हूं, कई दिनों से ये क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूं और आप लोग माफ करेंगे मैं जानता हूं। ठीक है, अब रूटीन टूटेगा नहीं और ये बढ़िया सा रिदम चलता रहेगा। कुछ और भी क्लासेस मैंने प्लान की है क्योंकि कई चीजें जो बीच में छूट जा रही थी उनको भी अब मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। ट्रांसलेशन का भी शेड्यूल चल पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, ये टेस्ट नंबर 27 है। मैं एक भी टेस्ट छोड़ूंगा नहीं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आपके वो सब मैं करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि लिटरेचर भी करवाऊं मैं, ठीक है ना। लिटरेचर का जो पोर्शन है अगर आप वो एक बार टेस्ट पेपर में करते हैं, इसके बाद मैं यहां पर पढ़ता हूं और आप उसको सुनते हैं, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। और उसका आंसर आप यहां मार्क करते हैं जो कि पहले से मार्क कर चुके हैं। कई क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे और वो फिर से एक बार सामने आएंगे, उनके आंसर्स और अभी एक्सप्लेनेशन भी शामिल कर दिया गया है टेस्ट पेपर में, आप देख रहे हैं। और दिक्कतें कोई अब आ नहीं रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आप मुझसे बताएं कि सर ये दिक्कत आ रही है, आप उनको पर्सनल मैसेज करें। आप जानते हैं आपके कॉल्स और मैसेजेस मैं हमेशा लेता हूं, बिना एक भी मिस कॉल मेरे में आपकी नहीं छूट सकती, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। हर कॉल का और हर मैसेज का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इसमें ये मच आडो अबाउट नथिंग, ये शुरुआती फेज का, बिल्कुल बिगिनिंग का और ये ड्रामा है, और ये मेरे ख्याल से पहला ड्रामा है मच आडो अबाउट नथिंग जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी के रूप में सामने आया था। आप लोगों को ज्यादा बेहतर याद होगा क्योंकि मैं भूल जाता हूं, मेमोरी मेरी बहुत अच्छी नहीं है लिटरेचर को लेकर के। यहाँ पर लिखा है मच आडो अबाउट नथिंग अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द कॉमेडी हैज बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर, जो कि 1908 से शुरू होकर के 99 के बीच में ये करियर का था फेज इनका, इन सेकंड फेज ऑफ हिज लाइफ। और ये सेकंड फेज में आई थी, हाँ पहली नहीं थी, ये सेकंड फेज में आई थी 98-99 के बीच में। हेंस ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में कौन है। मल्टीपल चॉइस जो आपके पास क्वेश्चन है, ये है हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स। तो ये जो हेनरी सिक्स था ये तीन पार्ट्स में है, हेनरी पास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। यहां पर मैंने डिटेल यहां पर दिया हुआ है, द प्ले हेनरी सिक्स हैज थ्री पार्ट्स, दिस प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर, हेनरी सिक्स पार्ट वन, हेनरी सिक्स पार्ट टू, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री, और दिस प्ले बिलोंग्स टू द हिस्ट्री प्लेज। आप ये बात जानते हो, पढ़ चुके हो डिटेल में। फिर कहता है इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, ये किसके द्वारा प्रिंट किया गया था, ये कौन था जिन्होंने इसको प्रिंट किया था, वो थॉमस थॉर्पे थे, बाकी ये नहीं थे, आप ये सब जानते हैं। और ये थर्ड ऑप्शन सही है, थॉमस थॉर्प प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे इस एग्जाम के लिए जो अभी होने वाला है टीजीटी का, जब भी ये हो जाए आप पूरी तरह से तैयार हैं। थॉमस थॉर्प ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु, आसान क्वेश्चन है, आ भी सकता है क्योंकि कुछ बहुत आसान क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आते। तो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल को, जिस दिन इनका जन्म हुआ था और उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, 26 अप्रैल को इनका नामकरण किया गया था, है ना, ये सब याद है आपको, ये यहां पर डिटेल लिखी हुई है। जॉन एंड मैरी आर्डन के पापा का नाम था, पापा और मम्मी थे, और ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में, ठीक है ना, और जन्म इनकी 23 अप्रैल 1564 में हुई थी, हुआ था। What was the name of house of Shakespeare in Stratford? Stratford में जो house था उसका नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 16 में आया भी था, ये 16 में आया था, किस पेपर में आया था, मैंने इसको दिया है पेपर, ये ए है, न्यू प्लेस नाम था उसका, कई जगह न्यू पैलेस भी लिखा मिलता है लेकिन न्यू प्लेस ही सही है, ठीक है ना, न्यू प्लेस नाम था उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, तो ये थर्ड है, लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट,
ये थर्ड क्वेश्चन सोशल सटायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही घुस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। न्यू प्लेस, हाँ बढ़िया, रिवीजन मैं चाहता हूं कि इसको करवाऊं, अब बहुत सीरियस तरीके से प्रैक्टिस सेट पे जुटना है आपको, ये अब मैं पूरा करवाऊंगा, भले ही एक के बजाय दो दिन में ले लूं, या जिस दिन ये करवाऊं उस दिन कोई और क्लास भले ना ले पाऊं, लेकिन इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बढ़िया से इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय कम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको, और इतना बढ़िया सिलेक्टेड मैटर है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इन पर अब बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। टीजीटी का कोर्स आपका समाप्त हो चुका है, पीजीटी का क्लासेस शूट होना शुरू हो गई है लिटरेचर की, और सब आपको समय से मिलती रहेंगी, और बहुत जल्दी ये कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे हम। लव्स लेबर्स लॉस्ट एक कॉमेडी है जो रिटन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, अर्ली एज में लिखा था इन्होंने इसको ड्रामेटिक करियर के, और ये प्ले जो है सोशल सटायर के रूप में लिखित है। डेस्टोमना ये फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर, ये किस ड्रामा से बिलोंग करता है डेस्टोमना, आप जानते हो ना, याद आया डेस्टोमना, बिल्कुल, ये टू ओथेलो की पत्नी का नाम था डेस्टोमना, जिसको मार देता है ओथेलो, है ना, पॉपुलर प्ले ओथेलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। लाइफ इज अ बट लाइफ्स, ये लाइफ्स का मतलब है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट्स द टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी, साउंड एंड फरी, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा पीजीटी वालों से कि साउंड एंड फरी किसका नॉवेल है, ये किसका नॉवेल है, ये आप हमको बता देंगे वहां पर, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये क्वेश्चन था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये मैकबेथ में है बिल्कुल, और ये सेकंड वाला है सही, कौन सा, एक्ट फिफ्थ और सीन फिफ्थ, चूंकि ये बहुत फेमस है इसलिए याद रखिएगा, ये दोनों फिफ्थ है, एक्ट भी फिफ्थ है और सीन भी, टोल्ड बाय एन इडियट साउंड एंड फरी, कुछ फ्रेजेस इसके बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा आप, और छोटा सा है बिल्कुल कोटेशन, आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो, एक्ट भी फिफ्थ, सीन भी फिफ्थ और मैकबेथ, मैकबेथ तो याद रहता है लेकिन ये भूल जाते हैं, तो दोनों फिफ्थ हैं, सीन भी और एक्ट भी, ये यहां पर डिटेल इसकी लिखी है। लाइफ इज अ बट अ वॉकिंग शैडो, इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, साउंड ऑफ फुल ऑफ साउंड एंड फरी, सिग्निफाइज नथिंग, is spoken by Macbeth in Act Fifth and Scene Fifth. Which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? आवाज मेरी, हाँ फकनर का क्या बात है, विलियम फकनर, PGT वाले बताएंगे बहुत जल्दी पढ़ाएंगे उनको हम। अर्चना मैम कैसी हैं आप? हाँ 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 चलिए, तो विच आर द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, इसमें कॉमेडी कौन नहीं है, तो देखो चार लिखे हैं, चारों में से कौन कॉमेडी नहीं है, बिल्कुल चौथी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तो ट्रेजेडी जैसी है, वास्तव में हिस्ट्री है, ये पूरा आप यहाँ पर व्याख्यान इसका पढ़ सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा हुआ है। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज अ फ्री अडॉप्टेशन ऑफ किससे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्चना जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लव्स लेबर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडॉप्टेशन ऑफ किससे लिया गया था, तो ये है मेनाकमी ऑफ प्लाटस, मेनाकमी ऑफ प्लाटस से ये लिया गया है, उस पर बेस्ड है, वहां से ये लिया गया है, इसकी डिटेल थोड़ी सी जरूर मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज अ फ्री एडॉप्टेशन ऑफ मेकानमीज, मेकानमी ऑफ प्लाटस, मेकानमी अ लैटिन लैंग्वेज प्ले, ये कौन सा है, ये लैटिन लैंग्वेज का एक प्ले है, इज ऑफन कंसिडर्ड प्लाटस ग्रेटेस्ट, ये प्लाटस का सबसे महानतम प्ले के रूप में गिना जाता है, और उसी पर लव्स लेबर्स लॉस्ट बेस्ड था, उसकी थीम लव्स लेबर्स लॉस्ट की थी, लव्स लेबर्स लॉस्ट की थीम इसी पर बेस्ड थी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आपका एकदम रिविजन अब मैं करवाऊं बढ़िया तरीके से, टीजीटी वालों का और पीजीटी वालों का कोर्स चलता रहेगा, तो टीजीटी वाले बस सावधान होकर के बस तैयारी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस
एप्टली कन्वेज। अब देखो इसको दो तीन दिन हो भी चुके हैं तुमको दिए हुए, तो ये मेमोराइज हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे क्वेश्चन अच्छे से आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न्ड। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है टेबल्स टर्न्ड, तो कौन इनमें से, निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से अच्छे से कन्वे करता है चीजों को द टेबल्स टर्न्ड के बारे में। थोड़ा सा बड़े हैं याद ध्यान रखिएगा, टेबल्स टर्न्ड। अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मॉरल फिलॉसफी इंटीसुएटली, ये है इंटीसुएबली, इंटीसुएबली क्योंकि ये श बन जाए, ये intuitively, intuitively from nature, intuitively का मतलब होता है बहुत ही नजदीकी से, क्या या नेचर के साथ बहुत नजदीकी के साथ जुड़ा है, rather than from books, books की अपेक्षा। तो ये बिल्कुल यही सही है, ए वाला। ये अपील नहीं है मैंडेटेड साइंस और आर्ट की, ना ही ये अवेकनिंग मैसेज है मैनकाइंड के लिए, ये पूरी तरह से इनसिवेटली जो जुड़ी है, किससे जुड़ी है, ये नेचर से, प्रकृति से जुड़ी हुई है। हाँ बेटा, विकास छुट्टी पे है आप जानते हो, इससे जैसे क्लासेस भी इधर नहीं हुई, और उनके आते ही सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 31 से 30 तक के टेस्ट पेपर की पीडीएफ में मिलवा, और आप लोग ज्यादा उसको शेयर वेयर मत करिए, है ना, अपने पास रखिए और पढ़िए आराम से। खुद को, खुद का मैटर आप फैला दोगे तो उससे आप नुकसान ही उठाओगे, फायदा नहीं उठाओगे। सॉल्यूशन इसका लिखा है पूरा डिटेल में यहां पर, उसको आप जबरदस्त तरीके से पढ़िए, खूब प्यास बुझाइए अपने ज्ञान की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेट करता हुआ। नोट है अबाउट पोएम आई वंडर लवली एज ए क्लाउड, डेफोडिल्स की पोएम का बार के बारे में बात कर रहा है, और इनमें से कौन ऐसा है, तो मैं इसको बता देता हूं, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन लिखा है, ये सी वाला, ये थर्ड ऑप्शन, ये यही सही है। मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा पढ़ के, द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टैंजा, जो स्टैंजा है उसका सब्जेक्ट जो है ना, एलिमेंट्री फीलिंग एंड सिंपल इंप्रेशंस है, बिल्कुल अप्रोचिंग टू द नेचर ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम के साथ नेचर के पास पहुंचता है वो अपने दृष्टि को लेकर के, अपॉन द इमेजिनेटिव फैकल्टी, और उसके दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं वो बिल्कुल बेहतरीन कल्पनाशीलता होती है, जब शाम को वो डेफोडिल्स को सोचता हुआ अपने कमरे में बैठ करके कविता को लिखता है, उस दृश्य को महसूस करके, तो इमेजिनेटिव फैकल्टी उसके दिमाग में, रादर देन एक्सर्शन ऑफ इट In what words shall describe the joy of retrospect? Retrospect का मतलब होता है past में जाकर के अपने दिमाग को पुनः उसी चीजों पर ले जाना जो आपने past में जिया। जैसे मैं अभी बैठ करके और अपने स्कूल में बच्चों के साथ उनको पढ़ाते हुए चीज का मैं वर्णन करने बैठूं, तो ये एक प्रकार का retrospection होगा, जो मैं past में जाकर के उन चीजों की पुनरावृत्ति अभी करना चाहूंगा अपने दिमाग में, तो मैं रिट्रोस्पेक्ट करूंगा। आप जानते हो रिट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट, ये सब जानते हो आप चीजें। When the images and virtuous actions of whole well spent life pass before the conscious, ये पूरा डिटेल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप बढ़िया सा जबरदस्त तरीके से पढ़िए, खूब अपने नोट्स को संभाल के रखिए, बिल्कुल अपने पास दिखाइएगा अपने बच्चों को, देखिए इतना सारा कुछ मैंने पढ़ा था तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है, है ना, इतना सारा नोट्स आपके पास है, वो सब आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सबको मिलेगा सबको मिलेगा सबको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल टर्न, टेबल टर्न के एलिमेंट्स जितने हैं जिसमें, उसमें और कौन ऐसी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जिसमें वो चीजें मिलती है, तो माइकल सॉल्ट्री पर ये सबकी थीम अलग है, ये एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, ये है पोएम का नाम, जो टेबल टर्न्स की तरह बिल्कुल नेचर पर बेस्ड है। टेबल टर्न्स के बारे में ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा जरूर, ये वहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड कब आया था, तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है, थर्ड कौन सा है, 1850 में, ये तब आया था जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई थी और इनकी पत्नी ने उनको बाद में छपवाया था के मरने के बाद। 1850 कई मायनों में बहुत ही घटनाओं से भरा वर्ष है, प्रल्यूड का प्रकाशन हुआ उसी वर्ष वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई, और इनका इनके बाद पोएट लॉरेट भी टेनिसन को बनाया गया, तो ये कई घटनाएं हैं जो आपको 1850 से याद रखनी है।
ये पूरा डिटेल हमने लिखा था, द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ माइंड। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रिल्यूड की कहानी किस तरह की, तो ये पोएटिक ग्रोथ ऑफ वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ अपनी पोएटिक ग्रोथ को वहां पर शो करते हैं कि किस तरह से वो चीजों को सीखते जा रहे हैं, नेचर से, दुनिया की चीजों से, है ना, फ्रांस की क्रांति से कैसे चीजों को सीखा और किस तरह से एक परिपक्व पोएट के रूप में उभर कर सामने आए, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करते हैं। वो प्रिल्यूड में पूरी ऑटोबायोग्राफिकल लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफिकल लिखी हुई है क्योंकि वो अपने दिमाग की ग्रोथ को वहां पर शो करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़िएगा, रिक्लूस का भाग था ये फिलोसफिकल पोएम। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीच गैदरर का कैरेक्टर कब अपीयर हुआ, कब, क्या रिक्लूस में या प्रिल्यूड बुक फर्स्ट में, लाओडेमिया में, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, तो ये फोर्थ है, रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ 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 आ जाओ, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज ए लिरिकल पोएम ऑफ इंग्लिश इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। बिल्कुल बेटा, बढ़िया, दोहराइए, मजा लीजिए। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट, ये असर्शन दिखाती है, क्या क्या दिखाती है, ये दिखाती है द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज ए क्लाउड, ये दिखाती है कि कवि भटक रहा है, लॉयट ही वॉज लॉयटरिंग अमंग द हिल्स एंड And lonely place without any cause or purpose, without any reason, he was loitering over there. I wonder lonely a cloud makes assertion that what moved aimlessly as a cloud. ये है question, ये solution है इसका. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. क्या बात है, युवावस्था मेरी तो स्वर्ग थी बस. ये जीवन जो मुझे मिला है, ये जिंदा हूं मैं, ये तो बता है मेरे लिए, लेकिन वो युवावस्था जिसमें मैं कभी रहा करता था, वो याद करते हैं वो, और ये किस में आता है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिखते हैं इसको, कल दीजिए। ये अकर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपियर्स इन एंथुजियास्टिक At the commencement written by William Wordsworth, the above lines occurs in fourth and fifth line of the poem. पढ़िए आराम से, सारी important चीजें हमने mention की, आप पढ़िए उनको और मजा लीजिए। The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by, किसके द्वारा influence की, ये बहुत ज्यादा किसके द्वारा, Coleridge और Wordsworth की पोएट्री इन्फ्लुएंस हुई, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट रहे, और उसकी वजह से जो दुख और तकलीफें इनको मिली, ह्यूमन काइंड को जो सफरिंग इन्होंने देखी, ब्लड शेडेड देखी, उनकी वजह से इनकी आत्मा बहुत दुखी हुई और एक बेहतरीन कवि के रूप में सामने निकले, अपने दर्द को दुनिया तक पहुंचाया। ठीक है, वॉट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स, इन सभी जॉन डॉन, डॉन जॉन, हाइपरियन, ट्राइम्फ ऑफ लाइफ और रिक्लूस, शैली की जो ये थी, वर्ड्सवर्थ की ये थी, और बायरन की डॉन जॉन जॉन थी, और कीट्स की हाइपरियन थी, इन सभी में कॉमन बात क्या, कितना गजब का क्वेश्चन है, आप सोचिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, समझिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इसमें कॉमन क्या थी, ये सभी की सभी अपने अपने कवियों के द्वारा लिखी गई अनफिनिश्ड पोएम्स थी, जिनको फिनिश नहीं किया, पूरा नहीं किया, समझ गए, क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लो तुम, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा पेपर में, तब बताऊंगा मैं, ये सबका डिटेल यहां पर लिखी है, किस तरह से किस सन में उन्होंने अनफिनिश्ड की थी, मरने की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ है। Which romantic poet coined the famous phrase "spots of time"? ये किसने coin किया था? तो ये था William Wordsworth के द्वारा coin किया गया। Romantic poet William Wordsworth ने coin किया था "spots of time". William Wordsworth जो English romantic poet थे, इन्होंने conception of spots of time लिखा, और किसमें लिखा था? ये अगला question यहाँ से इस तरह बन सकता है, spots of time कहाँ लिखा गया? The prelude में।
द प्रिल्यूड में इसको लिखा गया था, द लव सॉन्ग ऑफ, ये क्वेश्चन है, आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, कहता है बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर अगोनी फॉर अस लाइक डेथ आवर डेथ, द अब मेंशन्ड लाइंस आर टेकन फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं और ये जर्नी ऑफ मैगी की लाइंस है, बहुत बेहतरीन, और आगे डिटेल में मैंने लिख दिया है यहाँ पर सोल्यूशन। ये जर्नी ऑफ मैगी ये 43 लाइन की पोएम है जो 1927 में टीएस इलियट के द्वारा पब्लिश की गई थी। टीएस इलियट का जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1965 में हुई थी, आते हुए मॉडर्न एज के कवि थे ये, आते हुए मॉडर्न एज मतलब शुरुआती मॉडर्न एज है ना। चलो हाँ सब पता है, सब पर हमने सब यहाँ मेंशन कर दिया, तुमको इसे तैयार करना है बस, तुम्हें इसे तैयार कर लेना है बस। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, याद आ गई टीएस इलियट की वो पोएम जिसमें से ये ली गई है, बहुत ही फेमस, ये टीएस इलियट के द्वारा ली गई है, और आप बताओगे मुझे उस पोएम का नाम और उसके पांचों पार्ट उसके पांचों पार्ट भी बताओगे, नहीं तो हम आगे भी बताएंगे। ये देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक, अप्रैल इज द क्रिल्स मंथ हैज बीन टेकन फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बरियल ऑफ द डेड, जो फर्स्ट सेक्शन था द वेस्टलैंड से ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टी एस इलियट के द्वारा कंपोज की गई बेहतरीन आयरनिक कंट्रास्ट की पोएम थी, द एटीट्यूड एक्सप्रेस टूवर्ड्स द स्प्रिंग एंड विंटर, कैसे विंटर आता है और स्प्रिंग आता है, और स्प्रिंग में किस तरह से वो सड़ी गली बरसात के बाद सड़ी गली चीजों में पड़े हुए बीज किस तरह से नवजीवन को प्राप्त करते हैं, ये बरियल ऑफ द डेड में लिया गया है जो पहला पार्ट है इसका, ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत प्यारी पोएम भी है ये। टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड इज, आप बोलो बताओ, पांचों सेक्शन जो थे हमने कहा था रट लेना, इनको याद है, उनको रट लेना है, पीजीटी वाले तो रट ही लेंगे समझ लो, और टीजीटी वाले भी रट लेंगे क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फेमस चीजें जो पीजीटी की हैं वो टीजीटी में हिस्ट्री से पूछी जा सकती हैं बिल्कुल, और मैंने हिस्ट्री में इतना डिटेल तो पढ़ाया ही है, आप समझ रहे हैं ना बेटा, हाँ बिल्कुल। द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन, ऑफ थर्ड सेक्शन तो वेस्टलैंड का था, उसका टाइटल क्या था, गेम ऑफ चेस था उसका टाइटल, यहां पांचों मैंने लिख दिए हैं, ये देखो ये पांचों लिखे, सबसे पहला है बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, दस द करेक्ट आंसर इज बी। अच्छा ये देखो कब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स टीएस इलियट इज बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ द फिशर किंग, फिशर किंग की लीजेंड पर कौन सी बेस्ड थी, बिल्कुल ये फोर्थ थी, द वेस्टलैंड, ये पूरा मैंने डिटेल यहां पर लिख दिया है, पीजीटी वाले खास तौर से इसको पढ़ेंगे, टीएस इलियट के कोई क्वेश्चन डलवाए हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। मर्डर इन कैथेड्रल इज एन फोर्थ मिरेकल प्ले, ये मिरेकल प्ले है जिसमें मिरेकल प्ले क्या होते हैं, ईश्वर का प्रभाव चमत्कार दिखाए जाते हैं उनके। टीएस इलियट मर्डर इन कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्म इन थिएटर कब परफॉर्म की गई थी, तो ये सेकंड वाला 1935, पीजीटी के लिए बिल्कुल पैनेसिया क्वेश्चन है ये, आने आना है इस तरह के क्वेश्चन, सब तैयार करिए, लेट्स गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट अथराइज्ड अपॉन अ Table, let us go through certain half deserted streets. These lines are from, कहां से ली गई हैं? तो ये first है T.S. Eliot की Love Song of J. Alfred Prufrock. Answer है इसका यहां पर दिया हुआ। T.S. Eliot ने dedicate किया था अपनी masterpiece Wasteland को, बिल्कुल Ezra Pound को, fourth वाला रटा हुआ है बिल्कुल दिमाग में आपके, इसका मैंने डिटेल यहां पर दे दिया है आपको अपने आप से पढ़ने के लिए। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ में, ये जो पोएम है टी एस इलियट की, ये कौन सी है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थर्ड है द वेस्टलैंड।
Who called Hamlet an artistic failure? बिल्कुल T.S. Eliot ने कहा था ये, और ये देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये TGT के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हैमलेट से जुड़ गया है, वो शेक्सपियर से जुड़ गया, ठीक है ना, इज़रा पाउंड, हाँ बेटा बिल्कुल इज़रा पाउंड, आप लोग बोलते रहो बीच बीच में और हम भी इधर बताते रहेंगे। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, कहाँ बॉर्न हुए थे जॉन मिल्टन, लो आ गया, तो ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये लंडन में इनका जन्म हुआ था, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ब्रेड स्ट्रीट लंडन ऑन डिसम्बर 9, 1608 into a middle class family, he was educated at St. Paul's. ये बहुत सारे पॉइंट जॉन मिल्टन से, सब सारे पॉइंट ये 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 अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग पूछे जा सकते हैं, क्राइस्ट कॉलेज भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, उनकी एजुकेशन सेंट पॉल्स कॉलेज में हुई थी और फिर क्राइस्ट कॉलेज में गई थी, लेडी ऑफ क्राइस्ट, है ना, ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट यहां पर बनेंगे, केवल इतने से ही 6 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, बिल्कुल रटे होने चाहिए दिमाग में। ये वो क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन आए थे, और जो इजी क्वेश्चन आए थे, जो इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, 60% क्वेश्चन तो इजी आता है, जो सब कर लेते हैं ताकि फिर फार्म भरे लौट के तैयारी करके, है ना, धंधा पानी सबका चलता है। और जो 40% क्वेश्चन होता है उसमें 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नियमित तैयारी करते हैं वो कर लेते हैं, और जो 20% क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत बेहतरीन तैयारी करते हैं और ग्रामर 100% करते हैं वो कर पाते हैं, वो ग्रामर के और लिटरेचर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और उन्हीं में से जो 15 कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ग्रामर आपको 100% करनी होगी, और ये जिम्मेदारी मेरे को दी है आपने, और मैं पूरी करूंगा, लिटरेचर आप संभाल लेना बस। मी थॉट सा बाय लेट एग्जाम्पल और प्रैक्टिस में जबरदस्त करवा दूंगा, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस होनी, आपका एक कोर्स खत्म हो गया, बस ये लाइव चलेगा यूट्यूब पर और प्रैक्टिस होगी डेली, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। तो ये इन दोज मेमोरी, इन हूज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, मी थॉट, जानते हैं ना आप, थर्ड वाला कैथरीन वुडकॉक, बिल्कुल यही थी इनकी पत्नी थी, कौन वाली पत्नी थी ये, मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक इन 1656 After sometimes he left and then wrote to a strong pamphlet on divorce and said it in which of the following words did Milton promote freedom of speech? Aeropagitica, याद है ना आपको Aeropagitica, ठीक है ना, चाहे जिटिका कहो चाहे गीतिका कहो एक के बात है सब, ठीक है, ये सब याद है आपको, आसान है। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज कितने बुक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 बुक्स हैं इसमें पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज एपिक पोएम ब्लैंक वर्स, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स 1667 है ना, एंड विद 17 स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स पब्लिश्ड इन 12 बुक्स एडिशन ऑफ, तो 10 बुक्स ऐसे याद रखना, 10 बुक्स 1667 में, और 12 बुक्स कब आई थी 1674 सेकेंड एडिशन, ठीक है ना बाबू। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, वेरी गुड बेटा, इंग्लिश गैलेंट, मैं कमेंट्स देख रहा था आप लोगों के। चलो आगे चले, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैंक वर्स अभी लिखो, पूछा गया पैराडाइज लॉस्ट रिटन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स अनराइम्ड वर्स एम्बिक पेंटामीटर के साथ वाली, याद है ना, नो राइमिंग बट देयर इज ए मीटर, द फेमस लाइन व्हाट डाउ द फील्ड बी All is not lost, field lost होना चाहिए वहां। तो ये थर्ड सैटान ने कहा था, ये क्या हुआ जो हमारी, what thou the field be lost, हाँ यही था, all is not lost, हार गए खेत तो क्या हम सब खो गया, जान तो अभी बाकी, लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे, ऐसी भावना के साथ।
ऐसी भावना के साथ। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, किसके साथ, कैसे, बिल्कुल सारे एपिक, हर वो एपिक इन्वोकेशन से शुरू होता है, हर वह कविता जो एपिक के रूप में आती है वह इन्वोकेशन से शुरू होती है, देवी की स्तुति से शुरू होती है, गुरु की स्तुति से शुरू होती है, म्यूस की स्तुति से शुरू होती है, वंदो गुरुपद परंपरागा पदुम परागा सुरच सुभाष सरिस अनुरागा बंदो प्रथम मही सुरचरना, याद है ना आपको। तो रामायण भी तो एक एपिक है, वो एपिक है इसलिए वो वंदना से ही शुरू होता है। तो तीन से चार पेज तक तो तुलसीदास की वंदना ही तो चलती है, और सबसे पहले गुरु की है ना, इनवोकेशन, यस बेटा वंदना। और बहुत लॉन्ग है वो वंदना का जो पहला सेंटेंस है, शायद 6-7 लाइन का है वो। द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन, स्वर्ग में चाकरी करने से अच्छा है नरक में जाकर के राज करें। तो राज करने के लिए बना रहेगा भैया सेकंड हेवन, ठीक है। By what age had Milton become totally blind? बिल्कुल 44, at the age of 44 he became blind, totally blind. What kind of work is Samson Agonis? तो Samson Agonis क्या था? ये वर्ष प्ले था, एक कविता में लिखा गया ड्रामा था, बिल्कुल दोहराते रहिए बेहतरीन तरीके से। ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, ये वही एग्जाम्पल है ना, कौन सा एग्जाम्पल है यहां पर, कौन सी, विच फिगर ऑफ स्पीच, अभी कल पढ़ाया था फिगर ऑफ स्पीच। और हाँ, ऐप पर क्लासेस डालने के लिए मैं क्लासेस शूट कर रहा हूं बढ़िया सा, जैसे ये लिटरेरी टर्म वगैरह की है, तो आप लोग बिल्कुल हैरान परेशान ना होइए, विकास के आते ही वो आपको खटाखट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कोर्स की हमको भी चिंता है, बिल्कुल टेंशन ना लें, और ये प्रैक्टिस मैं चलाता रहूंगा पर आओ, ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, अनाक्रोनिज्म, क्या बात है अंकिता भाई, वाह 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 वाह, अनाक्रोनिज्म, अनाक्रोनिज्म इज अ पर्सन, ठीक है। ये आ गया, अब यहां देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले क्या लिखा है, कहता है सॉर्डिड बून, ये क्या है, डिस्क्राइब लिटरेरी डिवाइस इन वर्सोस सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है, तो ये थर्ड है, थर्ड ऑक्सीमोरन सॉर्डिड बून। यूज किया है डिस्क्राइब्स दिस, तो ये क्या है, या ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन होता क्या है आप जानते हो, अपोजिट वर्ड्स, सॉर्डिड बून रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ ऑक्सीमोरन, बोथ द वर्ड्स सॉर्डिड एंड बून, सॉर्डिड माने अभिशाप, ये अभिशाप हो गया और ये हो गया, ये श्राप हो गया है ना, श्राप ऐसे हो गया, ये श्राप हो गया और ये वरदान हो गया है ना, ठीक है। फिर कहता है कंट्राडिक्टरी टू ईच है ना, ईच अदर, ठीक है, ब्लेसिंग एंड बोनस। अब आ जाओ बोनस, बून से ही तो बना है बेटा। व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम्ब व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डेरिवेशंस डाइवर्जेंस, तो ये थर्ड वाला है, ये ऑक्सीमोरन है, यहां भी ऑक्सीमोरन है, बिजी आइडल, बिजी का मतलब व्यस्त है और आइडल का मतलब सुस्त है, ये व्यस्त है और ये सुस्त है, व्यस्त है और सुस्त है, तो ये भी अपोजिट हो गए ना, हाँ बिल्कुल, एडजेसेंट अपोजिट वर्ड्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडजेसेंट, ठीक है। ये सब आप पढ़िएगा आप अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। विच इज द लिटरेरी डिवाइस दैट रन्स अलोंग दीज लाइन्स, मल्टीपल चॉइस में कहां है लाइंस नालायक, हमको लग रहा ये है, फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर एंजल, सीजर इज एंजल है वहां, जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर में कहां से लिया गया और इसमें क्या लिटरेरी डिवाइस है, तो इसमें अपोस्ट्रफी का यूज किया गया है, ये सब अपोजिट है, जज ओ यू गॉड्स, ठीक है ना, सब अपोस्ट्रफी है।
और अपॉस्ट्रोफी हो या कॉमा हो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद, ठीक है ना, ये तो अपॉस्ट्रोफी ही होती है संबोधन। विच इज द लिटरेरी डिवाइस रन्स अलोंग दीज लाइंस, इसमें क्या है, सेकंड वाला है अपॉस्ट्रोफी ऊपर, ये तो आ गया क्वेश्चन। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन क्या है ये, ये हाइपरबल है, ऐसी कोई लाइन नहीं जो एंड ना हो, स्टेज नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे स्टेज हो गए तो कौन सा ये हाइपरबोल। वाई इज द कपल ऑफ आयरन अबाउट कॉन्टेम्प्स अ समर ऑफ ट्रेजेडी गेटिंग ड्रेस अप, ये थर्ड वाला सही होगा, कौन सा, To end their lives. Why is the couple? ये क्या है, कहां से आ गया, this stage, ठीक है, summer of tragedy, why is the couple? ये questions तो उसके हैं, हाँ story के हैं, story के हैं, ये हम तो समझ नहीं आया question, why is the couple of having a bond? अच्छा अच्छा अच्छा, ये समर ऑफ ट्रेजेडी जो है ये अर्ना बॉन्टन की लिखी हुई है, क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, जो कपल अर्ना बॉन्टन थे उन्होंने जो लिखी थी अ समर ऑफ ट्रेजेडी, तो उसमें समर ऑफ ट्रेजेडी में क्या है, तो ये कहता है ये है थर्ड एंड देयर लाइव्स, यानी स्टोरी जो समर ऑफ, इसको मैं बता देता हूं क्योंकि ये नया है क्वेश्चन, मेरे लिए भी नया, मैं भी पढ़ता हूं। अ समर ऑफ ट्रेजेडी वाज रिटन इन 1933 बाय अर्ना बॉन्टन, इट वाज रिटन एट अ टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिसेप्शन डिप्रेशन एंड कलर सेग्रेशन इन अमेरिका, जो कलर सेग्रेशन चल रहा था वहां, डिप्रेशन का, इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय था, उस समय ये लिखी गई थी। द स्टोरी बिगिंस एज द कपल इज ड्रेसिंग अप टू गो फॉर अ जर्नी, एक कपल होता है जो कपड़े पहन रहा होता है जर्नी पर जाने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए, इट इज नॉट अ नॉर्मल जर्नी, ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी यार, द जेफ सेक्स एज जेफ सेक्स सेक्स एंड ट्रेम्बल्स, सेक्स माने होता है कांपना और वो डर से कांपने लगता है, एंड ट्रेम्बल्स एट द थॉट ऑफ इट, जर्नी कंटिन्यू टू एंड देयर लाइव, क्योंकि वो जर्नी जो थी वो उनके जीवन को खत्म करने जा रही थी, इतना ज्यादा परेशान थे वो लोग। तो ये उसमें एक कहानी थी, ये नया क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन Who won the Nobel Prize for Literature, History of English Literature से PGT और TGT दोनों के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ये टोनी मॉरिसन है जिन्होंने, जो पहली ब्लैक वूमेन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आपको सारे एग्जाम्स देने, TGT, PGT, LT सब देने हैं एग्जाम्स, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन, ये क्वेश्चन, ये टोनी मॉरिसन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ यहां पर। नेटिव सन ये किसके द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिचर्ड राइट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। ये वो क्वेश्चंस में शामिल होते हैं जो क्वेश्चंस आपके तुक्के में या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं, है ना, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये टोनी मॉरिसन के बाद। आइए इस पे ये पढ़िएगा आराम से आप, ठीक है ना, राइट, ये अमेरिकन राइटर थे, उनके द्वारा लिखा गया है। इन सॉल बेलोज नॉवल हरजोंग, मोसेस हरजोंग इज, ये है क्या, तो ये जीव थे, ये क्या थे सॉल बेलो, ये जीव थे, जीव। अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट इन, ये कब लड़ी गई, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, 1861 से 1865 अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई, ये यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है। ये पैसेज आ गया, और इसके बाद अभी पैसेज की क्लास में बहुत जल्दी करने वाला हूं, और इसके बाद सारे ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे जो हम कल से शुरू करेंगे, आपके ये क्वेश्चंस आपके कल से शुरू हो जाएंगे यहां से, है ना, एंटोनिम सिनोनिम यहां से 50-50 क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन एक दिन, 50-60 क्वेश्चन इसमें, तो दो दिन में एक पेपर में कवर करूंगा, और लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों को कवर करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा जैसे तीन दिन पहले आपने चार दिन पहले पेपर दिया था, और अगर आज मैं उन क्वेश्चंस को सारे दोहरा देता हूं और आप एक बार बैठ करके खाली सुन भी लेते हैं जो मैं पढ़ता चला जाता हूं, आपका काम करते हैं, लगा दिया हमको, हम बकबक कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं उनको, ठीक है, किचन में रख दिया काम करते समय, महिलाएं अपना रख लें हमको, और हम बचते रहेंगे, और आप अपना बड़ा काम करते रहिए, तैयारी होती रहेगी, तो वे क्वेश्चंस जो आपने वहां पर देखे थे वो रिवाइज हो जाएंगे। तो ये हमको अच्छा लगा, तो हमने सोचा इनको सारे के सारे करते हैं, और कल
ग्रामर के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और अभी कुछ क्लासेस लिटरेचर के शूट करूंगा जो विकास के आते ही आपके ऐप पर आपके कोर्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं, शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, बहुत दिन बाद हुई ये क्लास आज। हाँ, ग्रामर की क्लास होगी और लिटरेचर की भी होगी, ग्रामर की लाइव होगी, लिटरेचर की मैं शूट करने जा रहा हूं। विकास आएंगे तो ऐप पर ग्रामर की लाइव क्लास होगी, आज लाइव क्लास ग्रामर की नहीं होगी, ठीक है ना। अब आज मैं शूट करूंगा अभी वीडियोस लिटरेचर के, पीजीटी कोर्स और टीजीटी के जो बचे हुए लिटरेरी टर्म्स है, तो ये दोनों क्लासेस जो मैं शूट करूंगा ये आपको अभी मिलेंगे नहीं, ये विकास के आने के बाद ऐप पर आपके साथ पहुंच जाएंगी, मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। मैं शूट करके आज रखूंगा, ठीक है। मैं काफी सारा और मटेरियल जो है मैं शूट कर रहा हूं इस समय, और वो सब आप तक पहुंचेगा, ठीक है। और अब आप जाइए और तैयारी करिए पूरा, है ना। और कल इसका ग्रामर का पोर्शन हम करवाएंगे, ग्रामर का कोर्स लगभग खत्म है, नरेशन है, एक दो दिन में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, फिर दे दोहराना बढ़ाने, बस दोहराते रहेंगे, यूट्यूब पर चलते रहेगा, उधर पीजीटी का कोर्स अपना धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आप ज्यादातर क्लासेस जो रिवाइज करेंगे हम, कोर्स हम जो करेंगे वो सब यूट्यूब पर ही होगा, वहां कोर्स अपना पढ़ के आइए और यूट्यूब पर आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस जरूर होगी रोज, कम से कम एक घंटा तो जरूर, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा और समय बढ़ाने की, और उधर ट्रांसलेशन भी शुरू करूंगा, और फिगर ऑफ स्पीच की भी कुछ क्लासेस होंगी। क्वेश्चन टैग अभी बाकी है, और क्वेश्चन टैग के बाद अभी बाकी है क्या, अभी जो है क्वेश्चन टैग बाकी है और चिन्ह बाकी है अभी, है ना, ये सब पढ़ाएंगे। पंचुएशन बाकी, हाँ बिल्कुल, विराम चिन्ह बाकी है अभी, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं, अच्छी तरह ये सरकारी पैसे की है, तुमको भी पहनना है, तुमको भी मिलेगी सरकारी पैसे की टी शर्ट, ठीक है ना, मिलेगी ना बेटा। बस आप डूब जाओ हमारे साथ, हम डूबे चाहे ना डूबे, तुम जरूर डूबो, ठीक है ना। मैटर आपको भरपूर मिल रहा है और बहुत अच्छे से सब कुछ मिला, पंचुएशन बहुत जल्दी, पंचुएशन की क्लास आ रही, ठीक है ना। बाय बाय।